नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 11। सरकार किसानों की बेहतरी की बात करती है, आपको बता दें कि लेकिन आए दिन किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा तस्वीरें रोहतास जिले में देखने को मिले। रोहतास जिले में पानी के अभाव के कारण यहां किसान काफी परेशान है। यहां के आपको बता दें कि दिनारा प्रखंड क्षेत्र में पानी के अभाव के कारण रोपनी यानी कि जो धान की खेती की जाती है उसकी रोपनी का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। एक तो यहां वर्षा नहीं हो रही है और ऊपर से सिंचाई विभाग की लापरवाही और बिजली विभाग की आंख मिचौली से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। यहां के किसानों का कहना है कि धान रोपाई का उपयुक्त समय निकला जा रहा है और पानी के अभाव में खेती पिछड़ती जा रही है। यहां किसान सरकार पर आरोप लगाते हुए भी नजर आए और अब तक किसानों ने कहा कि अब तक नहर में पानी नहीं पहुंचा है, जबकि यहां के कृषि भूमि सिंचाई विभाग के अनुसार पूर्ण रूप से संचित है। यहाँ के किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लगातार वो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और इस दौरान किसानों ने क्या कुछ कहा, आप जरा खुद ही सुन लीजिए। कि अभी कितना किया है, अभी ये 10-12% हुआ है, अभी बहुत रोपनी बाकी है। जी हाँ, बहुत बाकी है। मैंने रोपनी में क्या दिक्कत है? पानी का दिक्कत है। पानी नहीं मिल रहा है? नहीं। रोपनी का कार्य हो रहा है? रोपनी का कार्य तो अभी बंद है, पानी का अभाव है जी। सिंचाई भी हम लोग पानी पर है सब, पानी नहीं होगा तो सिंचाई नहीं होगा। नहरीकरण भी गलत ही पोजीशन पर भी है, नहर पानी नहीं दे रहा नहर है। पानी कहाँ दे रहा है, 15 वर्षों से नहर में पानी नहीं शुद्ध से आ रहा है। कितना खेती किए हुए हैं? खेती अभी कहाँ, 10-12% खेती हुआ है। खेती कितना किए हैं? खेती है। कितना रोप लिए हैं उसमें? 10-5 कट्ठा। अभी 10-5 कट्ठा रोप लिए हैं। ये कौन सा नक्षत्र चल रहा है? नक्षत्र तो ना जाने जानते। कितना खेती किए हैं? लगभग 4 बीघा किए हैं। रोपनी का कार्य चल रहा है? रोपनी का कार्य तो बाधित है वर्षा के अभाव में। नहर में तो पानी आता ही नहीं है। कभी नहीं आता है? ना, कभी नहीं आता है। विभागीय अधिकारी इधर घूमते हैं नहर पर? विभागीय अधिकारी तो इस नहर पर आते ही नहीं लोग है। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।